हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। और वो अपडेट ये है कि ये जो कंपनी है, जैसे ही अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है और जैसे ही अपने जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन उसके बारे में डिटेल से बताया है, उसके बाद इस कंपनी को एक बड़ा आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और वो आर्डर जो मिला है वो कितने का मिलता हुआ दिखाई दिया है और किस क्षेत्र में ये आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, इसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इसके संदर्भ में जो ये अपना इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन निकाल के दी है उसके बारे में हमने एक फुल एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहाँ से आप जाके इसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो अगले हफ्ते का टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में भी कुछ टारगेट अच्छे खासे निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि अगला जो सप्ताह होने वाला है उसमें मंगलवार से ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसका कारण जो बताया जा रहा है कि जो मुंबई है वहां पे इलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा सोमवार को, इसलिए मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन खुलता हुआ दिखाई देगा। और उसी दिन ये मालूम चलेगा कि ये जो कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है उसका क्या प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन करते हुए दिखाई दी है उसमें 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो लोअर सर्किट लगा है वो फिलहाल Q4 का रिजल्ट आने के बाद ये लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसे जो प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है आज, उसका वो प्रोजेक्ट फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए इस पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तब हो सकता है कि इसका प्रभाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं कि आज इसमें 225 पॉइंट की गिरावट देखी गई और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 2100 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दी है। बात करें हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस कंपनी में 14% की गिरावट दिखा दिया है। बात करें 1 महीने की तो 12% का, जबकि बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में हालांकि इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है 648% का। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो एयरटेल डेट में लगभग 400% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 1000% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे जब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो आपके होश उठते जाएंगे और ये जो कंपनी है 73,960% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये कब से निकाल के दी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में 2.82 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 73,000-74,000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो ये फुल मल्टीबैगर शेयर साबित होते हुए दिखाई दी है और अपने शेयर होल्डरों को न केवल करोड़पति बनाया है बल्कि अरबपति भी बनाते हुए दिखाई दे रही है। और एक इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उस क्षेत्र में ये फिलहाल अभी मार्केट लीडर बनने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक ऑर्डर रिसीव्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले ये 15 तारीख को जो न्यूज निकल के सामने आई थी और उससे पहले 13 तारीख को और उससे पहले 10 तारीख को न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दी थी। तो जो 18 तारीख का न्यूज निकल के सामने आया है, चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 18 मई का डेट पड़ा हुआ है और यहां पे ये बता रहे हैं कि जो इंटीमेशन आप 700 किलोवाट डीसी आर्डर, अर्थात इसे इन्हें 700 किलोवाट का एक डीसी आर्डर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो डीसी आर्डर प्राप्त हुआ है वो फिलहाल लेटर ऑफ अवार्ड के माध्यम से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात LOA के माध्यम से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे ये जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें ये काम क्या करने वाले हैं कि तो ये इंजीनियरिंग के छासा जो इसका प्रोक्योरमेंट भी करने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन भी इसका करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रंकी बेसिस पे ये 1 ईयर के लिए ऑपरेशन के साथ साथ मेंटेनेंस सर्विस भी प्रदान करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा इसका कास्ट क्या होने वाला है और ये कितने समय में पूरा करके देंगे इसके बारे में भी आगे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ऑर्डर मिला है फिलहाल लिमिटेड कंपनी डील सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया है और ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड
के माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देंगे और ये डोमेस्टिक एंटिटी यानी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है फिलहाल 4,89,00,000 का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कमर्शियल ऑर्डर होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये फिलहाल जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है उसी के संदर्भ में ये पूरा करते हुए दिखाई देगी। और ये जो एग्रीगेट ऑर्डर बताया जा रहा है वो 700 किलोवाट का यानी 700 किलोवाट का डीसी ऑर्डर बताया जा रहा है और इसी क्षेत्र में ये जो कंपनी है मार्केट लीडर बनने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिर से हो सकता है कि मंगलवार को रॉकेट बनते हुए दिखाई दे जाए। करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन करते हुए दिखाई दी है उसमें यहाँ पे आप देखिए लगभग 2,14,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है बीएससी पे, जिसमें से पूरा 100% की डिलीवरी उठते हुए देखने को मिल रही है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी भले ही लोअर सर्किट में चली गई हो 10% की, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उस पर अपना भरोसा बना के बैठे हैं और 100% का पूरा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम चलते देख लेते हैं कि इसका अगले हफ्ते का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टारगेट दिया गया है वो फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये जो सेगमेंट दिखाई जा रहा है ये डेट का सेगमेंट है, ये प्राइस का सेगमेंट है और ये मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो पहला डेट ये निकाल के दिए हैं ये फिलहाल 20/5/2024 को निकाल के दिए हैं, उस दिन ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसका जो प्राइस होने वाला है वो फिलहाल 2,259 रुपये का होता हुआ दिखाई देने वाला है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है वो फिलहाल 2,524 रुपये का होता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि मिनिमम जो प्राइस हो सकता है वो 2,000 से नीचे होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो 20 तारीख को अपना ट्रेडिंग सेशन करते हुए दिखाई देने वाली थी उस दिन मुंबई में इलेक्शन होने के कारण उस दिन छुट्टी होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इस टारगेट का फिलहाल कोई भी महत्व होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला। बात करें अगर हम दूसरे टारगेट की तो इसका जो टारगेट दिया जा रहा है ये बताया जा रहा है जो मिनिमम प्राइस ये टच करते हुए दिखाई देगी ये 1,989 रुपये के आसपास का टच करेगी और जो मैक्सिमम प्राइस टच कर सकती है वो फिलहाल 2,493 रुपये का टच कर सकती है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है ये इन दोनों के बीच में कहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। जबकि बात करें अगर हम 22 तारीख के टारगेट की तो 2,088 रुपये से लेके और 2,608 रुपये पर देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो 2,088 रुपये का जो यहाँ पर मिनिमम प्राइस दिखाया जा रहा है ये फिलहाल इसी के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये अगर तो ये जो कंपनी 2,600 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी तो ये मान के चलिएगा कि 21 तारीख को ही ये टारगेट अचीव कर सकती है, क्योंकि इसे जो ऑर्डर मिला है उसका प्रभाव जरूर देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम 23 तारीख के टारगेट की बात करें तो ये जो कंपनी है 23 तारीख को बता रहा है कि 1,916 रुपये का इसका मिनिमम प्राइस हो सकता है और 2,453 रुपये का इसका मैक्सिमम प्राइस हो सकता है। इसके अलावा जो 24 तारीख का टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 1,895 से लेके और 2,438 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके 27 तारीख के टारगेट की तो ये जो है 1,972 से लेके 2,481 रुपये के बीच में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 तारीख से लेके और ये 27 तारीख का जो टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 1,972 से लेके और लगभग 2,500 रुपये के बीच में टारगेट दिया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो ऑर्डर से संबंधित न्यूज निकल के सामने आई है उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर ये कंपनी इसे पॉजिटिव लेते हुए दिखाई दी तो हो सकता है कि ये 2,500 का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे इस हफ्ते में तोड़ते हुए भी दिखाई दे सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट को अगर नेगेटिव लेते हुए ये कंपनी दिखाई दी तो हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने को मिले और ये 1,900 के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसकी कंपनी के जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, उन सबको डिटेल से पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।